साइंस अध्ययन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक सैम्पल पेपर जो कि SOF के द्वारा क्लास 8 के नेशनल साइंस ओलंपियाड 2023-24 के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो NSOF का जो लेवल 1 का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। तो उनमें से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पर रीजनिंग के दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 1। तो यहाँ पर जो है 3 डाइस हैं जिनके पोजिशन यहाँ पर शो किए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि 1 जो नंबर है उसका अपोजिट नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक यहाँ पर क्या होगी, तो हम यहाँ पर जो है दो बॉक्स में कंपेयर करेंगे, ऐसे दो बॉक्स जिनके कि क्या होंगे, कोई एक सरफेस जो है वो कॉमन होगा, जबकि हम ये दोनों जो बॉक्स हैं इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे दो बॉक्स को हम यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे जिनके दो जो सरफेस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 1 में देख रहे हैं 6 और 4 है, उसी तरह से 3rd में आप देख रहे हैं 6 और 4 है, तो इन्हें हम जो है कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम जो है 1 और यहाँ पर इसे 2 लिख लेते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। और यहां पर क्या है, जो भी जो सरफेस कॉमन है, जैसे कि यहां पर 4 है और यहां पर 4 है, तो सबसे फर्स्ट हम यहां पर 4 लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसके नंबर लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 5 1। उसी तरह से जो है फर्स्ट जो बॉक्स है उसका भी हम क्या लिखेंगे, यहां पर 4। उसी तरह से क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे हम 3, और इसके बाद हम यहां चलेंगे तो हम यहां लिखते हैं 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 जो है 4 का अपोजिट यहां पर 4 है, 5 का जो अपोजिट होगा वो 3 होगा, और 1 का जो अपोजिट होगा यहाँ पर 6 होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 6, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो डाइस के क्वेश्चंस होते हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हर साल इसमें से रीजनिंग में जो है क्वेश्चन 1 या 2 जो है वो NSO में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पर हमें जो है वाटर इमेज बताना है, ये जो एक फिगर दिया हुआ है उसका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वाटर फिगर किस तरह से होगा, वाटर इमेज कैसे होगा, तो इसके जो अपोजिट जो भी फिगर बनेगी वही क्या हो जाएगी, इसकी वाटर इमेज हो जाएगी। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर भी सेम ए का जो है सेम ही यहाँ पर डायरेक्शन है, तो ए यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद हम बी देख लेते हैं, तो बी में क्या है, ए के अपोजिट यहाँ पर ये इमेज जो है ए की बन रही है, और यहाँ पर जो है ये क्या दे रखा है, इसके अपोजिट यहाँ पर ये इमेज है। इसके बाद जो है नीचे आप देख सकते हैं तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये वाला जो सर्किल है और ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये इस कॉर्नर पे वो भी इसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी की पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से अगर हम सी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो ये जो सर्किल ये दे रखा है जिसमें कि ये हाफ ब्लैक है, और यहाँ पर ऊपर में जो है ये सर्किल, ये दोनों ही क्या है, ये सेम ही हो रहे हैं, इसीलिए सी भी यहाँ पर नहीं होगा, और डी जो है उसका तो डायरेक्शन ही इस तरह दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है बी ऑप्शन जो है वो इसका जो है करेक्ट वाटर इमेज यहाँ पर शो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो वाटर जो इमेज होते हैं उनकी भी आप जो है प्रैक्टिस रीजनिंग के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्संस हु आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड बट नॉट कन्फर्म्ड इन जॉब। तो यहाँ पर जो है ये सर्किल जो दे रखा है ए, ये क्या है, ये एजुकेटेड का है। उसके बाद जो सेकंड सर्किल है वो क्या है, ये एम्प्लॉयड का है। वहीं पे जो ये ट्रायंगल दे रखा है ये क्या है, ये कन्फर्म्ड इन जॉब। तो हमें जो है इस तरह की पोजीशन बतानी है जिसमें कि एजुकेटेड भी हो और एम्प्लॉयड भी हो, लेकिन वो उनका जो जॉब हो वो कन्फर्म नहीं हो, यानी कि ऐसा शेप जिसमें कि ट्राइंगल नहीं आता है। तो यहाँ पर आप ए देख सकते हैं, तो ए क्या है, ये सिर्फ एजुकेटेड का है। उसी तरह से जो सी है यहाँ पर वो एम्प्लॉयड का है, ई जो है वो ई, और जो डी है वो क्या है, कन्फर्म्ड इन जॉब है। तो डी और ई तो होंगे ही नहीं, तो हमें ऐसा कॉमन लेना है जिसमें कि एजुकेटेड भी हो और एम्प्लॉयड भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी पोजीशन ऐसी है जहाँ पर कि क्या हो रहा है, एजुकेटेड भी है और एम्प्लॉयड भी है, लेकिन ये जॉब में कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाते हैं, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 साइंस से लिया गया है, तो क्या है ये क्वेश्चन। बीज विच आर नॉट कैरिंग हनी फ्लाई विद द फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज वाइल दोज विच आर कैरिंग हनी फ्लाई विद द फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। द साउंड मेड बाई बीज विच आर नॉट कैरिंग हनी हैज ऑप्शन नंबर ए लोअर पिच, ऑप्शन नंबर बी ए हायर पिच, ऑप्शन नंबर सी ए स्मॉलर लाउडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ ग्रेटर लाउडनेस। तो यहाँ पर क्या है, एक जो बी है जिन जो कि क्या करती है, जो कि हनी कैरी नहीं करती हैं, वो किस फ्रिक्वेंसी से फ्लैप करती हैं, तो इनकी फ्रिक्वेंसी है 440 हर्ट्ज। वहीं पे जो हनी है जो कि क्या करती है, जो हनी फ्लाई जो है हनी कैरी करती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। तो हमें यहाँ बताना है कि जो हनी बीज जो हैं जो हनी कैरी नहीं करती हैं, तो उनकी जो साउंड होती है वो किस तरह की होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हनी बीज जो है जो कि हनी को कैरी नहीं करती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऐसे बीज जो कि हनी जो है कैरी करते हैं। तो हमें पता है कि जो पिच होती है वो क्या होती है, वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो बीज हैं जो कि हनी कैरी नहीं करते हैं, उनकी पिच हायर होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दे रखा है, तो बी यहाँ पर जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रेशर ऑफ द वाटर नियर द बॉटम ऑफ द वॉल फॉर्मिंग अ डैम डज नॉट डिपेंड ऑन ऑप्शन नंबर ए द डेप्थ ऑफ द वाटर, ऑप्शन नंबर बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वायर, ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जो वाटर जो बॉटम के नियर होता है उस पर जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेशर का सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो पी इक्वल टू क्या होता है HdG। तो यहाँ पर क्या है, H क्या है ये हाइट होती है वाटर की, वहीं पर D क्या है ये डेंसिटी है वाटर की, और G क्या है यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर जो P होता है वो HdG पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर A में दे रखा है द डेप्थ ऑफ द वाटर, तो ये H हो जाएगा। उसके बाद है द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसे अभी हम देखते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर C में दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर दे रखा है, तो प्रेशर जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो सी भी हो जाएगा। उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर भी जो है वाटर का प्रेशर डिपेंड करता है। तो हमने पूछा है कि यहाँ पर प्रेशर जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो प्रेशर होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वायर पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन कॉपर इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉपर ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जब कॉपर को हम मॉइस्ट एयर में जो है बहुत समय तक रखते हैं तो इनमें से क्या बनता है। तो कॉपर को जब मॉइस्ट एयर में रखा जाता है, यानी कि एयर में क्या है वाटर भी मिली होती है, तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही बनते हैं यहाँ पर, तो बोथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रीशफलिंग गिव्स द टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑन सॉइल बाय हैंड, ऑप्शन नंबर ए INIGTIL, ऑप्शन नंबर बी GLNOPPUIHG, ऑप्शन नंबर सी ATNBRDOCAIGS एंड ऑप्शन नंबर डी इज GIOWNWIN। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसी प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है रीशफल कर रखा है एक टर्म को, तो हमें उस प्रोसेस को पहचानना है जिसमें कि जो है हम सीड को क्या करते हैं सॉइल में सिंपल स्प्रिंकलिंग करके हैंड से जो है हम जो है इसको सो करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग को अगर हम रीशफल करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, तो ब्रॉडकास्टिंग को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो यही टर्म है यहाँ पर BRODCASTING। ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर हो जाएगा, तो इसे रिशफल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द बैक्टीरियल डिजीज. ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, मिजल्स. ऑप्शन नंबर बी स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टाइफाइड. ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, मिजल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्लोरेला, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड. तो हमें यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज का ग्रुप बताना है जिसमें कि सारे ही डिजीज किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है क्लोरा, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड. तो ये वाला जो ऑप्शन है क्लोरा, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड, तो ये क्या होता है, ये सारे डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होते हैं. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो बैक्टीरियल, फंगल और वायरल जो डिजीज होते हैं इनका जो लिस्ट है ये आप लोग जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी साइंस की बुक से जो है आप जाकर जो है उसको जरूर से जरूर जो है उसको तैयार कीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर जो है आप लोगों को NSO में देखने के लिए मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 इज अनुज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स. ही अरेंज्ड द सेटअप एज शोन इन द फिगर. अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ. ऑप्शन नंबर ए नायलॉन, सिल्क, कॉटन. ऑप्शन नंबर बी सिल्क, कॉटन, नायलॉन. ऑप्शन नंबर सी कॉटन, नायलॉन, सिल्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉटन, सिल्क, नायलॉन. तो यहाँ पर अनुज ने जो है क्या किया है, एक जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है क्या करने के लिए, फाइबर की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए. तो यहाँ पर इसने एक हुक लिया है और यहाँ पर जो है इसने थ्रेड लिया है. उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर इसने जो है वेट जो है वो पुट किया है जिससे कि क्या हो सके, वो कंपेयर कर सके कि जो थ्रेड है उनके क्या स्ट्रेंथ है. तो धीरे धीरे करके वो यहाँ पर वेट बढ़ा रहा है और देख रहा है कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है थ्रेड जो है वो ब्रेक कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, तो जो कॉटन होता है कॉटन को रखने पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी. उसके जो है ज़्यादा, उससे ज़्यादा सिल्क की होगी और सबसे ज़्यादा जो है वो नायलॉन की स्ट्रेंथ होगी, यानी कि नायलॉन जो है सबसे लेट जो है वो क्या होगा यहाँ पर ब्रेक करेगा. तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है कॉटन से ज़्यादा सिल्क है और सिल्क से ज़्यादा नायलॉन है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से आज की वीडियो में जो है कुछ सैंपल क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाए गए हैं कि किस तरह से जो है NSO के लेवल 1 में क्लास 8 के लिए जो है वो 2023 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और MTG की बुक से भी आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप लोग जो है उससे जाकर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे चैनल पर भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाके जो है प्लेलिस्ट से आप चेक कर लें कि किस तरह की जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चंस की तैयारी करनी है नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.